अगर दोस्तों आप लोग कटिंग लगाने की सोच रहे हैं अक्टूबर मंथ में पौधे की कौन सी कटिंग लगाएं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में बताऊंगी कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट, ऐसे कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट जिनकी कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है। मुश्किल से 4 या 5 दिन लगते हैं कटिंग की जड़ें बनने में, तो बिना झिझक के किसी भी डर के आप इन सब पौधों की कटिंग ग्रो कर लें। कुछ तो दोस्तों ऐसे पौधे हैं जिनकी कटिंग अभी हम ग्रो करेंगे तो अगले मंथ यानी नवंबर में उसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो विंटर सीजन होता है ना, इन 4-5 पौधों के फ्लावरिंग से ही शुरू होता है और विंटर जाते जाते तक भी वो साथ ही रहते हैं। तो उन सबकी कटिंग आप लोगों को लगा लेनी चाहिए। कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट भी होते हैं जो विंटर की जब डोरमेंसी पीरियड रहता है उनमें वो कलरफुल गार्डन में ऐड करते रहते हैं, कलर ऐड करते रहते हैं, तो उनको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे पौधे हैं दोस्तों इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो में आप सभी अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है या फिर आप कंटिन्यू आते रहते सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हम लोगों को पता चले कि कौन कौन हमारे वीडियो देखता है। तो चलिए दोस्तों बताते हैं ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनकी हम आज कटिंग लगाने वाले हैं। ये नया प्लांट मेरे गार्डन में ऐड हुआ है, मैं भी नर्सरी से ही लेकर आई हूँ, और ये छोटे से ग्रो बैग में देख सकते हैं बहुत ही हेल्दी प्लांट था। तो ये मुझे 25 का यानी 25 रुपये का मिला है। वैसे इनका जो दाम था बता रहे थे कि ये 30 रुपये का है, बट प्लांट दोस्तों बहुत अच्छे, तो आज इनको रिपोर्ट भी कर दूँगी। और इनके दोस्तों कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है, देखिए यहाँ से ना एरियल रूट्स निकलते रहते हैं, तो इनकी कटिंग अगर यहाँ से हम ग्रो करेंगे ना तो ढेरों सारे प्लांट बन जाते हैं। इनमें कलर भी बहुत से आते हैं डिफरेंस। ये बहुत ही सस्ते प्लांट है, 20-25 रुपए में इस तरीके के प्लांट मिलते हैं नर्सरी में। अगर आप सबको चाहिए तो ज़रूर लेकर आइएगा। तो फिलहाल मैं इनको रिपोर्ट करने जा रही थी। तो इसको हम पहले मिट्टी से बाहर निकाल लेते हैं ग्रो बैग से। ग्रो बैग को मुझे ख़राब नहीं करना क्योंकि मैं लगाती रहती हूँ दोस्तों कटिंग, तो हमारे ये काम आ जाएगा। और बिल्कुल सैंड में, जो सैंड वाली सॉइल होती है दोस्तों, उसी में लगाया गया है। रूट्स बहुत अच्छे से देख सकते हैं आई हुई है इस तरीके से। तो अभी ने हम लगा देंगे अपने पॉट्स में। पॉट्स हमने यहाँ दोस्तों 6 इंच का लिया हुआ है। इस तरीके के छोटे प्लांट्स के लिए हमें पॉट्स छोटे ही चाहिए होते हैं, तो थोड़ी सी मतलब हमें बिल्कुल मिट्टी नहीं हटानी चाहिए, क्योंकि अभी आप देख रहे हो ज़्यादा मिट्टी भी नहीं है गमले में, और उसमें पौधे जिसमें लगे हैं तो मिट्टी पूरी नहीं हटाना है, इसी में से लगा देना है। तो 20% हटा सकते हैं, बाकी आप मिट्टी इसी में रहने दीजिए, 80% उसी में सर्वाइव करेंगे। तो ये जो टाइम है दोस्तों इस प्लांट को लगाने का टाइम है, आप लगा सकते हैं अक्टूबर में, बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग करते हैं। परमानेंट प्लांट है दोस्तों, कभी भी आप इनको लगाएं इसलिए लग ही जाते हैं। तो ये हमारा प्लांट बाद में इनमें हम पानी दे देंगे ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। तो बहुत ही प्यारे तरीके से फ्लावर्स इसमें आते देख सकते हो, और इसमें दवा डाली गई हुई है क्योंकि कीड़े भी बहुत ही ज़्यादा गार्डन में दोस्तों आ रहे हैं, तो ऊपर से दवा डाली गई। इसमें देखिए फ्लावरिंग इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है, तो इनको भी आप लगा सकते हैं कटिंग से इजीली। नेक्स्ट दोस्तों हमारे ये रिबन प्लांट है, तो इनको हैंगिंग बास्केट में मैं लगाऊँगी। तो इनमें जो रिबन प्लांट हमारा ना, ये बहुत ज़्यादा देखिए रूट्स इसमें आ गए हैं, तो इनको मैं पहले सेट कर लेती हूँ ताकि ये सेट हो जाए हमारे गार्डन में। तो इस तरीके से पहले इनके जो रूट्स है थोड़ा सा मैं कट कर दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूट्स यार इस, ये मेरे प्लांट दोस्तों 3-4 साल से हमारे पास है। तो अभी बारिश में ना थोड़ी सी इनकी रूट्स भी देखिए यहाँ से ख़राब हो रही थी इस तरीके से, तो ख़राब हुई रूट्स को भी हटा देना है ताकि इसमें फंगस वगैरह ना लगे। तो इस तरीके से छोटे गमले में भी लग जाएंगे और हैंगिंग बास्केट में भी अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं है। तो वैसे मैं ज़्यादातर हैंगिंग बास्केट में ये सारे प्लांट लगाती हूँ, रिबन प्लांट हो। और इस देखिए इस तरीके से मल्टीप्लाई भी दोस्तों यहाँ से होते रहते हैं, तो अगर हम चाहें तो मल्टीप्लाई भी इनको कर सकते हैं। तो ये रिबन प्लांट है, सूखी पत्तियाँ उनको हटा दें ताकि इनकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। और ये हमारा है दोस्तों हैंगिंग बास्केट, इसी में मैंने लगाया था, फिर से मैं इसी में लगा दूँगी। तो दोस्तों इसके ड्रेनेज में मैंने यहाँ पर नारियल का खोल रख दिया है ताकि इसका ड्रेनेज बंद ना हो और हमारा जो प्लांट है अच्छे से चल सके। तो यहाँ पर ड्रेनेज हमेशा कुछ ज़रूर रखते हैं पत्थर, क्योंकि मिट्टी अगर उसमें भर जाएगा तो ड्रेनेज बंद हो जाता है और प्लांट का जो ग्रोथ है दोस्तों बहुत ही ख़राब होने लगती है। तो इसे मैं रिपोर्ट कर दूँगी। मिट्टी दोस्तों हमेशा हल्की बनाने की कोशिश करें, तो इसमें वर्मी कंपोस्ट है, सैंड है, और हमारा गार्डन सॉइल इनको बना के तैयार करके मैंने यहाँ पर तरीके से इनकी पौधों को लगाना है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों ये जो रिबन प्लांट है इसमें से थोड़ी सी मुझे कटिंग लेनी है इस तरीके से, ताकि मैं दूसरे
गमले में लगा सकूँ और भी मेरे पास हो जाए। तो इतना तो है, इस तरीके से डालने के बाद में हम इसमें मिट्टी भर देंगे ताकि रूट इसके ढक जाएँ। और ये दोस्तों इंडोर प्लांट है, आप कहीं भी घर के अंदर लगा दीजिए, आराम से ये निकल जाएगा और आपके घर की सुंदरता भी बढ़ाता रहता है। वैसे प्लांट देखने से स्पाइडर प्लांट जैसा आपको लग रहा होगा, बट ये रिबन प्लांट है। मुझे भी नहीं पता था, बट जब मैंने सर्च किया ना तो मुझे ये रिबन प्लांट मिला सजेशन में। तो वही है, ये वेरिकेशन देख सकते हैं, पत्ती में बहुत ही अच्छे से आ रही है। तो इस तरीके से मैंने भी दिखाया ना, अभी आपको दिखा देंगे इनकी कटिंग भी लगाना, किस तरीके से इनकी कटिंग हम लगा सकते हैं। फाइनली हमारा रिबन प्लांट भी लग गया। पानी भी मैं थोड़ी देर में दे दूँगी, थोड़ा सा और मिट्टी डाल देते हैं। और कभी भी गमले को पूरा फुल ना भरें, इससे क्या होगा कि पानी इसमें रुकेगा नहीं और मिट्टी आपकी सूखी सूखी रहेगी, तो जो प्लांट होते हैं ख़राब हो जाएंगे। और ये साथ जो प्लांट दोस्तों होते हैं उनको ज़्यादा पानी की नीड भी नहीं होती। तो ये हैंगिंग बास्केट में हमारे लग गए रिबन प्लांट्स इस तरीके से। दोस्तों रिबन प्लांट की कटिंग लगाने के लिए मैंने ये सॉयल लिया है। तो पहले जो एक्स्ट्रा इसमें के सारे सूखी हुई जड़ें हटा देते हैं, क्योंकि इस तरीके अगर लीव्स या जड़ें सूखी रहे ख़राब रहती तो ये फंगस लग जाएंगे, इसमें प्लांट ख़राब होने लगेगी। क्योंकि देखिए यहाँ से हेल्दी रूट्स भी निकल रही हैं। तो कटिंग इस तरीके से मिट्टी में हम करा देंगे, पहले से ही रूट्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से ये लग जाएंगे हमारे रिबन प्लांट। बस कटिंग को छाया में रखिएगा, छाया वाले वैसे हैं ही दोस्तों ये, तो कहीं भी रख दीजिएगा आसानी से ये चल जाएंगे। सूखी पत्तियाँ रिमूव कर दें ताकि इनकी जो रूट की एनर्जी है बची रहे, वो सारे अपने ग्रोथ में लगाएं। तो इस तरीके से आप रिबन प्लांट को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मैंने लिए ढेरों सारे अपनी गुंडावदे की कटिंग, तो ये अलग अलग वेराइटी के लिए मैंने कम से कम 4 या 5 वेराइटी हैं, और येलो वाइट पिंक सारे स्पाइडर गुलदावती सारे इसमें हैं। तो इस तरीके से कटिंग छोटी छोटी करके हमें लगा लेनी है। और ये जो टाइम है अक्टूबर का दोस्तों, इसमें बहुत आसानी से कटिंग ग्रो हो जाती है, सर्दियों में अच्छे से हम इनसे फूल भी ले सकते हैं। तो इसमें कलर येलो मैंने बताया था ना, और कुछ मतलब सैडेड में भी हैं। तो इस तरीके से हम इनकी जड़ें पहले हटा लेते हैं, उसके बाद इनकी कटिंग ग्रो करते हैं। पत्तियों से मुझे पता है कौन कौन सा कलर है, तो हमारी फ्रेंड है उन्होंने भी गुलदावरी मांगी थी, तो उनके लिए भी मैं रेडी करूँगी ताकि अच्छे से फ्लावरिंग उनके गार्डन में भी खिल सके, और उन्होंने भी मुझे भेजा हुआ है। तो इस तरीके की कटिंग, वैसे इस बार मैं कटिंग सिर्फ उनके ही लिए लगा रही हूँ, मैं इस बार कटिंग नहीं लगाऊँगी, क्योंकि सेम कलर निकल आता दोस्तों तो अच्छा नहीं लगता। और अलग अलग कलर के मैंने सिर्फ 4 या 5 गमले तैयार किए हुए हैं, आके आपको वीडियो में मेरे आते रहेंगे, दिखाएंगे कौन सा कलर है। और लास्ट विंटर तो मैंने लगाया हुआ था, तो यहाँ ढेरों सारी मतलब है गुलदावरी की कटिंग। और यहाँ पे मैंने इस तरीके से सॉयल लिया हुआ देख सकते हो, और इनमें आप चाहें तो ऐसे या फिर एलोवेरा जेल भी लेके लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से इनके पहले पत्तियाँ हम रिमूव कर देते हैं, और चाहें सैंड में ग्रो करें या नॉर्मल मिट्टी में, अभी इनका जो कटिंग लगने का टाइम है दोस्तों 100% कटिंग इनकी ग्रो हो जाती है। तो बिना देरी के झटपट से आप इनको ज़रूर लगाएं। और कटिंग लगाने के लिए मैंने रोटिंग हॉर्मोन्स की जगह पे लिया हुआ एलोवेरा जल, तो इसी में इस तरीके से दोस्तों डिप करके कटिंग को लगा देना है एक एक कटिंग। और ये दोस्तों 5 या 6 दिन में इनमें जड़ें बनने लगती हैं, तो ढेरों सारी लगाने वाली हूँ तरह तरह की गुलदावरी। और वैसे तो मैंने वीडियो में लगाई कई कटिंग्स, तो जो मुझे नहीं थी मैंने लगा ली 1-2 कटिंग, बट ये मैं अपनी फ्रेंड्स के लिए रेडी कर रही हूँ। बड़े बड़े साइज़ के हाइब्रिड वाले भी, फ़िलहाल हाइब्रिड ही सारे, देसी एक भी मेरे गार्डन में नहीं था, तो उन्हीं को मैंने सेव करके रखा हुआ है। तो लग जाए इस बार तो अच्छी बात है, और उनको उनके गार्डन में भी हो जाता है। तो एक एक करके दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक गुलदावरी की कटिंग नहीं लगाई है तो बिना देरी के झटपट से आप ग्रो कर सकते हो। सबसे पहले अगर सर्दियों में फूल खिलता है तो ये हमारे गुलदावरी क्रायसैंथेमम में खिलते हैं, क्योंकि अदर सीज़न में ये वैसे ही नवंबर से खिलना शुरू हो जाते हैं। और अभी इनकी कटिंग लग रही है, इनकी जो फ्लावरिंग का टाइम होता है
ये नवंबर से लेके ये अप्रैल तक खिलते रहते हैं, यहाँ तक पूरे साल तक। ये भी बता दूँ, एक मेरा येलो कलर का था वो अभी तक फूल दे रहा था, कल भी अभी थी, बट मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि मुझे प्लांट की ग्रोथ अच्छी चाहिए थी, घनी चाहिए थी, जिसकी वजह से मैंने इनको हटा दिया। तो मतलब पूरे साल खिलते रहते हैं कुछ प्लांट, और कुछ तो मतलब एक बार खिल के बंद ही हो जाते हैं, क्योंकि हैवी ब्लूमिंग करते तो प्लांट की जो एनर्जी सारी उनकी ब्लूमिंग में ही चले जाते हैं। आप लोगों को पता है एक पौधे में सैकड़ों फूल आते हैं, और अभी इनको भी ग्रो कर सकते हैं, गेंदे को भी लगा सकते हैं, और आगे मैं दिखाऊंगी गेंदे की कटिंग कैसे ग्रो करनी है। तो यहाँ पे हमारी इतनी भी गुलदावरी थी दोस्तों, कटिंग लग गई, छोटी छोटी कटिंग, इतनी छोटी भी कटिंग लग जाती है। इसमें देना है पानी, तो पानी भी मैं बाद में दूंगी। तो अभी भी आप इन सारे पौधों की कटिंग ग्रो कर लें फटाक से, ताकि आपके गार्डन में अच्छे से फ्लावरिंग दे आने वाले टाइम में नवंबर में खिलने के लिए, तो फटाफट से इन्हें भी ज़रूर ग्रो करें। तो दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ली है गेंदे की कटिंग, इतनी छोटी कटिंग गेंदे की आराम से लग जाती है, और कलियाँ भी आना शुरू हो गई हैं। तो अगर अभी कली नहीं चाहते हैं पौधों को, आप चाहते हैं कि अच्छे से घने हुए, तो उनको आप पिंच कर दें, तो इस तरीके से एलोवेरा जेल लगा के यहाँ पे हम गेंदे की कटिंग भी ग्रो कर लेंगे। तो ये येलो वाला दोस्तों है, सीड से ग्रो हुआ प्लांट है, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और सर्दियों में गुलदावरी गेंदे यही खिलना पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में सारे विंटर प्लांट्स खिलते हैं। तो इन्हें भी आप फटाफट से अभी कटिंग से ग्रो कर लें, ताकि आपका गार्डन फूलों से भरा रहे। देख सकते हैं हमारा ये स्वीट पोटैटो वाइन, जिसको मैंने कटिंग से लगाया, जड़ें देख सकते हैं कितनी अच्छी से आई हुई हैं, तो अभी मैं इसमें ही रहने दूंगी। तो इन्हें भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। फिलहाल ये हैंगिंग प्लांट से मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैं कौन कौन से प्लांट की कटिंग लगाना बताने वाली हूँ। तो देखिए इसमें इस तरीके से एरियल रूट्स निकले हुए होते हैं, बस छोटी सी कटिंग लेके मिट्टी में दबा दीजिए, आराम से लग जाता है। ये वेरीकेटेड वाले हैं, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो अगर इन सभी कटिंग आपको ग्रो करना है तो झटपट से दोस्तों अभी ग्रो कर सकते हैं रेनी सीजन में, और हैंग कर सकते हैं छाँव में लगने वाले फिलहाल प्लांट, आप इनडोर भी लगा सकते हैं, आउटडोर अगर लगाते हैं तो इनको साइड में रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों ये हमारा है कोलियस का प्लांट, बहुत ही खूबसूरत कोलियस का प्लांट है, देख सकते बहुत अच्छे से ग्रोथ, और इसमें फ्लावर भी आ रहे हैं, इनको मैं हटाऊंगी, इसकी वीडियो अलग बनाऊंगी आप लोगों के लिए। तो कोलियस को भी दोस्तों कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं, कोई भी कटिंग छोटी से लेके इस तरीके से इन्हें फटाफट से आप अगर गार्डन में लगाते हैं तो लग जाएगी। जो कोलियस का दोस्तों कॉम्बिनेशन होता है, कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। मेरे पास तीन कलर है, एक ये वाला, एक ये है, और एक ये तीन कलर है, और वैसे छः थे, दो तीन कलर मेरे ख़राब हो गए, तो अभी यार फिलहाल यही है। तो इनको भी आप अगर ग्रो करना है तो फटाक से ग्रो कर सकते हैं। हालांकि देखिए मैंने ये लगाई हुई कटिंग मैंने अभी स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखाया भी है, तो इन्हें भी आप ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे मैं दिखा दूँ हमारा खूबसूरत सा हाइब्रिड, ये है सदाबहार। तो इनकी भी कटिंग दोस्तों आप लोग ग्रो करना बिल्कुल ना भूलें, इनकी हाइब्रिड भी आती देसी, तो ये हाइब्रिड वाली है, प्लस मैं दिखा दूँ ये देसी वाली वैरायटी, ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से भी चल रही है। तो दोनों बहुत ही खूबसूरत लगते हैं दोनों कंडीशंस में। अगर आपको इस तरीके के प्लांट लगाना पसंद है तो बिना देरी के झटपट से ग्रो कर सकते हैं, सीड से लग जाते हैं, कटिंग से भी आप अगर चाहें तो ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों हाइब्रिड प्लांट की अगर बात करूँ तो बारिश में बहुत ही मुश्किल हो जाता है बचाना, मेरा एक प्लांट मर चुका है, ये फिर से मैं लेकर आई थी, तो अभी चल रहा है। देखिए इस तरीके से क्या था, पत्तियाँ अगर ख़राब होती हैं, अगर इनको हम नहीं हटाते हैं ना, तो ऊपर से ये फंगस, देखिए इस तरीके से फंगस लगते हैं। देखिए आजकल दोस्तों प्लांट में नई बीमारी मतलब आती है, फंगस ना ऊपर से लगने लगे हैं, तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है, बाकी प्लांट अच्छे से चलता है। हाइब्रिड की दोस्तों कोई वेरायटी ये वाली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है, तो अगर आप लोगों को लगाना है तो फटाफट से कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और नर्सरी में जाते हैं थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है प्लांट को चॉइस करना, तो हमारे पास अगर रहते हैं तो दोस्तों मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, तो कटिंग तो बेस्ट ऑप्शन है मल्टीप्लाई करने का। तो देसी वाले हों या फिर इस तरीके से हाइब्रिड वाले प्लांट्स हों, तो आप झटपट से अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। नेक्स्ट जो प्लांट है हमारा दोस्तों ये है जी वांडरिंग जू का प्लांट है, बहुत ही प्यारे लगते हैं इस तरीके से, इनको मैंने साइड में रखा हुआ, जिस तरीके से इनमें अच्छे से कलर आ रहे हैं। तो आप लोगों को अगर ये प्लांट पसंद है दोस्तों तो हैंगिंग बास्केट के लिए तो बेस्ट है, आप लगा ही सकते हैं, देख सकते हैं बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है। बगल में हमारा ये सिंगोनियम का प्लांट है, तो इनकी भी कटिंग लग जाती है, छोटी सी कटिंग लेके आप किसी भी सॉइल में लगा देंगे तो बहुत आसानी से लग जाते हैं। और दोस्तों जैसे मनी प्लांट होता है ना, वैसे भी इसी तरीके से ये भी होते हैं, लेकिन ये अगर इस तरीके से हम चाहें तो घना होता जाएगा, पूरा प्लांट आपका कवर हो जाएगा, तो इन्हें भी हम कटिंग से इसलिए लगा सकते हैं। दोस्तों अगर हैंगिंग प्लांट्स की बात करूँ लगाने, तो ये मेरा वडेलिया का प्लांट है, इसको हम और भी नाम से जानते हैं, भी नाम नहीं आता फिलहाल, तो इनकी भी छोटी से छोटी कटिंग, इस तरीके की कटिंग लेके हम इनको ग्रो कर सकते हैं बस। और ये हैंगिंग में तो अच्छे लगते हैं, मैंने हैंगिंग में इनको
हैंग किया हुआ इस तरीके से देख सकते हो। इस तरीके से छोटी कटिंग लेके आप मिट्टी में इस तरीके से दबा देंगे तो बारिश के टाइम में ना अभी ये लग जाती है, तो बिना देरी के इनको भी छोटे से आप कटिंग से ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों हमारा ये इंडोर प्लांट है, फिलहाल ये इनको बोला जाता है स्पाइडर प्लांट, तो मैंने कुछ दिन पहले ही लगाया था, 3-4 पौधे हैं, अभी अच्छे से चल रही है, ख़त्म होने वाला था लेकिन मैंने शेप करने की कोशिश करी तो अभी अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन इस तरीके से अगर पत्तियाँ ख़राब हो रही हैं तो उनको रिमूव करते जाएँ क्योंकि फंगस के कारण बन जाते हैं, तो इन्हें भी हमें रिमूव करना होता है। तो हमारा ये दोस्तों है स्पाइडर प्लांट, तो फटाफट से इनकी भी कटिंग आप ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों हमारा मनी प्लांट है, वो मनी प्लांट को भी हम कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। मैंने फिलहाल यहाँ हैंग करके लगाया हुआ है और कुछ रीज़न की वजह से दोस्तों देखिए पत्तियाँ हमारी ख़राब हो रही है, शायद ओवर वाटरिंग हुई हो या फिर पानी की कमी, जिसकी वजह से ये अपने प्लांट ख़राब हो। लेकिन कटिंग लगाने के लिए दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, एक सिंगल लीव लेके इनको आप इजीली लगा सकते हो। यहाँ पे देखिए मैंने मनी प्लांट ये देखिए ग्रो किया हुआ है, दूसरी वैरायटी है लेकिन बहुत ही अच्छे से चल रही है, तो आप इन्हें भी ग्रो कर सकते हो ईज़िली। दोस्तों ये हमारा कोशिंड्रा का प्लांट है और कुछ दिन पहले ही मैंने इनकी कटिंग ग्रो करी थी, अभी देखिए बहुत अच्छे से प्लांट हमारा ये चल रहा है, देख सकते हैं छोटी सी मैंने कटिंग लगाई थी, बहुत अच्छे से भी इसमें देखिए कलियां भी ये आने लगी हैं, तो जब फूल खिलेंगे तो वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस तरीके के प्लांट को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते, थोड़ा सा मेच्योर हो जाए फिर इसके मैं कटिंग लेके ज़रूर लगाऊँगी और आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी। नेक्स्ट दोस्तों जो कटिंग से लगने वाला प्लांट है वो है हमारा ये फ्लावरिंग प्लांट है, तो दोस्तों ये हमारा एक्जोरा है, तो अभी बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है क्योंकि मैंने इनको प्रोन किया था कुछ दिन पहले, और अभी अच्छे से हो रही, कीड़े जो होते नहीं पत्तियों को खाने वाले वो कीड़ों ने देखे पत्ते किस तरीके से खा के रखा, आज फिलहाल मैंने रिमूव किया है, तो आई होप अब बच्चे होकर अंडे वगैरह हो गए दोबारा से हो जाएंगे। तो एक्जोरा को भी इस तरीके से कटिंग से लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा क्रोटोन का प्लांट, तो क्रोटोन भी कटिंग से ही लगाया जाता है, ये सारे प्लांट मैंने कटिंग से लगाए हैं। क्रोटोन की वैरायटी एक ये भी है, इसको भी हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मैं जब से लेकर आई प्लांट हमारा ऐसे ही चल रहा है, तो अभी सिंगल एक स्टेम है तो मैंने कटिंग नहीं लगाई है, अगर आप लोगों को लगाना है तो कटिंग से लगा सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा ड्रेसिना है, इंडोर प्लांट है, इनकी भी कटिंग दोस्तों फिलहाल लग ही जाती है, अगर आप लोगों को लगाना है तो इजी टू ग्रो प्लांट है, फटाफट से इन्हें आप ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों मैक्सिकन पेटूनिया है, जिसको मैंने कटिंग से लगाया है, आज इसमें कलियाँ आने लगी, देख सकते हैं ढेरों सारी कलियाँ बन रही हैं और एक खिलेगी कली सुबह खिल जाएगी क्योंकि इवनिंग का टाइम है तो चल भी रहा अच्छे से, तो इनकी भी कटिंग दोस्तों छोटे से स्टेम लेके लगा सकते हैं, देख सकते हैं नीचे से भी नए नए पौधे मतलब जड़ से निकल रहे हैं, तो ये घना होता जाता है, उतने खूबसूरत ही लगता है, तो इनके भी बिना देरी के आप कटिंग से ग्रो कर लें। नेक्स्ट दोस्तों ये हमारा मोर पंखी है और ये भी कटिंग से ही तैयार किया गया प्लांट है, तो इन्हें भी आप इजली लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से लगने वाला पौधा, मैंने 6 इंच के गमले में लगाया हुआ है और चल भी रहा अच्छे से, फिर से मैंने कटिंग तैयार करी हुई है, तो वैसे मोर पंखी का जो कटिंग लगने का टाइम होता है दोस्तों यही टाइम है, बरसाती टाइम है, तो जाने से पहले आप ढेरों सारी इनकी कटिंग तैयार कर लें ताकि आपके घर में ढेरों सारे मोर पंखी के प्लांट्स हो जाएँ। कहीं भी एक छोटी सी स्टेम दिखे तो इस तरीके की स्टेम लीजिए, मेच्योर आसानी से लग जाएगा, और सैंड में लगाएंगे दोस्तों तो 100% कटिंग आपकी सक्सेस हो जाएगी। कटिंग लगाने के बाद में बाल बिल्कुल छेड़िएगा नहीं, पत्तियाँ इनकी हल्की करके कटिंग करके लगाएंगे तो कटिंग भी हिलेगी नहीं और बार बार चेक भी ना करें ताकि कटिंग आपकी 100% ग्रो हो जाए। दोस्तों ये मैंने कटिंग से तैयार किया हुआ था मोगरे का प्लांट और बहुत अच्छे से चल रही है, 2 कटिंग लगाई थी, दोनों अच्छे से लग गए, देख सकते हैं न्यू ग्रोथ अगर होने लगे पत्तियों में तो समझ जाएं कि आपकी कटिंग 100% सक्सेस हो गई। तो मोगरा को भी दोस्तों आप लोग लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, जब भी टाइम मिले फटाफट से इनकी कटिंग आप लोग ग्रो कर लें। और दोस्तों ये मैंने लगाया हुआ था कुछ दिन पहले हमारे गार्डन का ही था, फिलहाल ख़राब हो गया था, फिर से मैंने इनकी कटिंग लगाई है, हमारा टिकोमा है ऑरेंज वाला, और ग्रो बैग में लगाया था, लग भी गया, देख सकते हैं बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है, नीचे से भी नई नई स्टेम निकल रही है, तो थोड़ा सा और बड़ा हो जाए तो मैं नया पौधा और बना लूँ ताकि कभी भी हमारे गार्डन से बिल्कुल भी ना जाए। ये दोस्तों है हमारा फर्स्ट लव है, इसको भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था, अभी देख सकते हैं बहुत अच्छे से चल रहा है, मैंने 6 इंच के गमले में कटिंग लगाई थी, चल भी रही है, तो आपको अगर फर्स्ट लव का प्लांट दिखे दोस्तों तो फटाफट से इनकी कटिंग जरूर ग्रो करें बिना देरी के। और इसमें दोस्तों आपको 3 कलर देखने को मिलते हैं, जो कि येलो रहता है, ऑरेंज, रेड रहता है, पिंक कलर भी आते हैं, अगर आपको दिखे पिंक कलर तो ज़रूर अपने गार्डन में लगाएं। और इनके लिए तो दोस्तों बिल्कुल आपको नॉर्मल गार्डन सॉइल चाहिए होता है, सैंड सॉइल और बर्मी कंपोस्ट, आप सैंड की मात्रा ज़्यादा करेंगे तो प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा, और कटिंग लगा के छांव में रख देंगे तो 100% कटिंग आपकी लग जाएगी।
और दोस्तों यहाँ पे मैंने ये लगाया हुआ है बेबी सन रोज़ वेरीगेटेड वाले, बहुत मुश्किल से दोस्तों मैं बचा के इनको रख पा रही हूँ, क्योंकि अभी बारिश में प्लांट की जो कंडीशन है बहुत बुरी हो रही है। बारिश में दोस्तों इतना ही हो रहा है कि प्लांट हमारे ख़राब हो रहे हैं पानी ओवर रोटिंग की वजह से। इस प्लांट को मैंने इसी जगह रखा था कि पानी बिल्कुल भी ना मिले, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही बारिश हुई कि वहाँ तक पानी पहुँच ही गया बहुत चारों से। लेकिन जो भी प्लांट है हमारा दोस्तों अच्छे से चल रहा है। अगर आप लोगों को इस तरीके के प्लांट लगाने के शौकीन हैं जिनकी एक इंच की भी कटिंग आपके गार्डन में लग जाएगी, बस ओवर वाटरिंग ना होने पाए, प्लांट आपका हमेशा चलता रहेगा। सो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को कुछ ऐसे प्लांट लगाने बताए हैं कटिंग से कि अक्टूबर मंथ में आप लोग इनको बिना झिझक के ग्रो कर सकते हैं। तो ये अक्टूबर का अभी फर्स्ट वीक चल रहा है, अगर आप लोग इन सबकी पौधों की कटिंग ग्रो करना चाहते हैं तो दोस्तों झटपट से ग्रो कर लें, ताकि आपके गार्डन में बिटनर गार्डन भी खूबसूरत दिखे फ्लावर से और इन खूबसूरत रंग बिरंगे पौधों से भी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को हमारे लाइक शेयर और चैनल पर नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब इस तरीके की वीडियो मैं शेयर करूँ ना तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग।